हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जीरो टू जेड इंग्लिश आपका अपना चैनल, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब। मैंने आपको ये तीसरा काइंड ऑफ एडवर्ब है, नंबर 3 इंटरोगेटिव एडवर्ब बताया था। उससे पहले रिलेटिव इंटरोगेटिव एडवर्ब बताया था, और उससे पहले मैंने फर्स्ट एडवर्ब था जिसके मैंने कई सारे काइंड्स आपको बताए थे, राइट? तो कई सारे एडवर्ब में, जैसे कि सिंपल एडवर्ब था। सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ नंबर, राइट, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये सब मैंने आपको बताया था। उसके बाद बताया इंटरोगेटिव एडवर्ब नंबर 2, क्योंकि वो सिंपल एडवर्ब के काइंड्स थे। अभी इंटरोगेटिव एडवर्ब बताया मैंने एक वीडियो में। अब हम नंबर 3 बता रहे हैं आपको, एडवर्ब ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब जो पहले यूज हुए। आ, इट टेल्स द रिलेशन, इट टेल्स द रिलेशन विथ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए, रिलेटिव एडवर्ब का मतलब है कि ये जोड़ता है दो चीजों को, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये है, जैसे व्हेन, ये टाइम को दर्शाता है, प्लेस को दर्शाता है, रीजन माने वजह को दर्शाता है, ओके, और मैनर को दर्शाता है, मैनर। अब देखिए, टाइम को कौन सा वर्ड दर्शाता है? व्हेन, ओके, जब या कब के सेंस में ये वर्ड यूज होता है, व्हेन। देखिए, प्लेस को कौन सा वर्ड दर्शाता है? वेयर, ओके, वेयर मीन्स कहां या जहां के सेंस में यूज होता है, ओके। लेट मी टेक सम इंक, आई एम सो सॉरी। सो प्लेस के सेंस में दर्शाता है ये वर्ड वेयर। दूसरा बात करते हैं व्हाई, क्यों, मतलब वजह, इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो व्हाई वर्ड जो है वो रीजन दर्शाता है, और कैसे ये काम कैसे हुआ, कैसे मींस मैनर, ये मैनर को दर्शाता है, ओके, ये मैनर को दर्शाता है कि कार्य कैसे हुआ। तो इस तरह से टाइम, प्लेस, रीजन एंड मैनर, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय दीज 1, 2, 3, 4 वर्ड्स, एंड दीज आर इंटरोगेटिव वर्ड्स विच प्ले अ रोल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एज वेल। तो इनको रिलेटिव एडवर्ब भी बोलते हैं, नंबर 3 काइंड जो मैंने बताया, राइट? सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रिलेशन यानी कि रिलेटिव एडवर्ब। तो मैंने ये चीजें बताई हैं जो टाइम को दर्शाता है व्हेन, प्लेस को दर्शाता है वेयर, रीजन को दर्शाएगा व्हाई, सॉरी मैंने ये इधर और ये इधर कर दिया, मैनर को दर्शाएगा हाउ, राइट? तो अब देखिए, इनका हम एग्जांपल देते हैं। जैसे टाइम, व्हेन, ओके, शी KNOWS, सो शी नोज बेटर व्हेन टू फीड हर बेबी। व्हेन माने कब, तो शी नोज बेटर व्हेन टू फीड हर बेबी, वो अच्छे से जानती है कब उसके बेबी को फीड माने भोजन कराना है, दूध पिलाना है या खिलाना है, खाना खिलाना है। शी नोज बेटर व्हेन टू फीड हर बेबी। अब देखिए, व्हेन वर्ड यूज हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट वेयर, ओके, एवरीवन आस्क्ड
him where his brother was caught, caught caught red-handed. ओके, रेड हैंडेड माने रंगे हाथों पकड़े जाना, कॉट माने पकड़ा गया, कैच का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है कॉट। तो देखिए एवरीवन आस्क्ड हिम, हर व्यक्ति ने उससे पूछा कि वेयर हिज ब्रदर वाज कॉट रेड हैंडेड, उसका भाई रंगे हाथों कहां पकड़ा गया था। तो वेयर शब्द प्लेस को दर्शा रहा है। अब देखिए वाई, ओके, नो वन नोज why the jungles are being cut only for the sake of diamonds। देखिए मध्य प्रदेश के बक्सवाहा, पन्ना जिले के बक्सवाहा क्षेत्र में डायमंड की खान निकली है, तो उसके बारे में मैंने बनाया नो वन नोज, कोई नहीं जानता। वाई मीन्स क्यों, द जंगल्स आर बींग कट, जंगलों को काटा जा रहा है, ओनली फॉर द सेक ऑफ डायमंड्स, सिर्फ डायमंड्स के लिए ही जंगलों को क्यों काटा जा रहा है, नो वन नोज, इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, नो वन नोज व्हाई, देखिए वजह रीजन हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ, ओके, हाउ मींस मैनर, रेनू हैड The great knowledge, knowledge, Renu had the great knowledge how to react, on principles threat माने होता है धमकी देना। तो रेनू हैड द ग्रेट नॉलेज हाउ टू रिएक्ट ऑन प्रिंसिपल्स थ्रेट, प्रिंसिपल की धमकी पर कैसे रिएक्ट करना है, शी हैड द ग्रेट नॉलेज, ओके। तो कैसे, दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये था कॉमन यूज ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, मैंने एग्जाम्पल के साथ दिया है, अच्छी आएगी नॉलेज आपको जब आप रीडिंग करेंगे। देखिए रीडिंग लिसनिंग पढ़ाई में बार बार कहूंगा, हजार बार कहूंगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, रीडिंग राइटिंग लर्निंग। और जो स्टूडेंट पेन पेंसिल और कॉपी लेकर साथ नहीं बैठते हैं, चीजों का नोटिफिकेशन नहीं करते हैं, जो रीडिंग नहीं करते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं आप नहीं सीख पाओगे कुछ, दुनिया का कोई भी वीडियो देख लो, और जिस दिन सीख जाओ उस दिन मुझे बता देना कमेंट करके, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक तपस्या है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ स्टडीज एंड ऑफ गेनिंग नॉलेज, नॉलेज को प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए प्लीज 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 रीडिंग करो, राइटिंग करो, लर्निंग करो। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस, दुआ करते हैं सभी ग्रेट बने एंड हैव अ ग्रेट डे। जय मां सरस्वती।